अमेजिंग टीवी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सत श्री अकाल, हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा फिर उपस्थित हूं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर। दोस्तों, ये जो जिंदगी हमें ईश्वर ने दी है ये बहुत अनमोल है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस जिंदगी को कैसे जीते हैं, किस प्रकार इसमें खुशियां लाते हैं। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता दें, जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता दें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। वास्तव में जिंदगी कब क्या रंग दिखाती है यह किसी को पता नहीं होता। एक दिन मित्र का फोन आया कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया। मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास गया और सभी रस्मों में उसका हाथ बटाया। जब सभी रस्में खत्म हुई, दोस्त मुझे लेकर अपने कमरे में गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक डिब्बा निकाला जो सुनहरी कागज से लिपटा हुआ था। उस डिब्बे को मेरे सामने ला करके उसने कहा, यह डिब्बा कोई साधारण डिब्बा नहीं है। उसने धीरे से उस पर से चमकीला कागज हटाया और उसमें से एक सुंदर सी इत्र की शीशी लाकर मेरे सामने रखी। उसने कहा, यह जो इत्र है 3-4 साल पहले मैंने न्यूयॉर्क से खरीद कर अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप दिया था। उसने कभी इसे नहीं लगाया, किसी विशेष अवसर के लिए उसने इसे बचा कर रखा था। इत्र की शीशी लेकर वह बिस्तर के पास गया और पत्नी के रखे हुए सामान के साथ उसने वह इत्र की शीशी वहां रख दी और बहुत देर तक वह उन्हें निहारता रहा। कुछ पलों बाद पलटकर मेरी ओर आया और उसने कहा, मित्र, किसी विशेष अवसर के लिए कभी कुछ भी बचा कर मत रखना। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन विशेष है और यही समझकर हमें अपना जीवन जीना है। मैं आज महसूस करता हूं कि उसकी इस सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे जीने का तरीका बदल दिया। उसके बाद से मैं अपने परिवार को अधिक से अधिक समय देने लगा। मैं समझ गया था कि जीवन को जीने का स्रोत बनाना है, अनुभव करने का नहीं। मैं अब कुछ भी बचा कर नहीं रखता था। मैं प्रतिदिन क्रिस्टल के गिलास में पानी पीता हूं और घर की अच्छी से अच्छी क्रॉकरी में खाना खाता हूं। मैं सुपरमार्केट जाने के लिए अच्छे से तैयार होता हूं। कुछ भी विशेष अवसरों के लिए मैं बचा कर नहीं रखता। जब भी जो चाहता हूं उसे मैं उपयोग करता हूं। शब्द किसी दिन फिर कभी या एक दिन जैसे शब्द अब मेरे शब्दकोश से कोसों दूर है। जो कुछ भी देखने सुनने और करने लायक है उसे, उन सब चीजों को मैं देखना सुनना और करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र की पत्नी को यदि यह पता हो जाता कि कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो वो क्या करती। मुझे लगता है शायद वो अपने रिश्तेदारों को बुलाती, दोस्तों को बुलाती, उनके साथ उनकी जो मन मुटाव है या झगड़े हैं उनको दूर करना चाहती, अपनी किसी गलती पर किसी से क्षमा मांगना चाहती। जिन्हें वह बहुत प्यार करती है उन्हें शायद अपने प्यार का इजहार करना चाहती, अपना पसंदीदा भोजन करना चाहती। ये छोटी छोटी चीजें जो है मैं भी अब करना चाहता हूं। मैं इस अफसोस के साथ नहीं जीना चाहता कि मैंने जिंदगी में ये कार्य नहीं किया। यदि कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ तो मुझे बहुत पछतावा होगा।
मैं अब उन दोस्तों को मिलना चाहता हूँ, उनके साथ जीना चाहता हूँ जिन्हें मैंने मुद्दत से मैं जिनसे नहीं मिला, उनके साथ बैठकर मैं ठहाक के लगाना चाहता हूँ, स्कूल और कॉलेज की गलियों के चक्कर लगाना चाहता हूँ और बेतुकी बातों पर खूब हंसना चाहता हूँ। मैं अपने सभी मित्र परिवार सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, 100 बार कहना चाहता हूँ, जो मैं उनसे नहीं कह पाया, कि मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ। वे मेरी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं किसी भी काम को अब टालने की कोशिश नहीं करता। जीवन में जो कुछ भी मुझे खुशी देता है वो मैं करना चाहता हूँ। प्रत्येक सुबह मैं अपने आप से यही कहकर उठता हूँ कि आज का दिन विशिष्ट है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण। यही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक रिश्ता और प्रत्येक इच्छा भी मेरे लिए अब बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम सभी को इस बात का बहुत ध्यान रखना है और अपनी जिंदगी को इसी हिसाब से हमें जीने का प्रयत्न करना है। किसी शायर ने ठीक कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और मैं कहती हूँ, ए उम्र गर हिम्मत है तो करके दिखा इतनी सी खता, ए उम्र गर हिम्मत है तो करके दिखा इतनी सी खता, बचपन तो छीन लिया जरा बचपना तो छीन के दिखा, बचपन तो छीन लिया जरा बचपना तो छीन के बता। इसी के साथ आप सभी लोगों से अब मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक छोटी सी अच्छी सी कहानी के साथ। फिर सत श्री अकाल।